आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत सरकार और सेना की ओर से ये बात बार बार दोहराई जाती रही है कि पिछले कुछ महीनों से कश्मीर घाटी पे चीजें सामान्य होने लगी हैं। आतंकी घटनाओं में कमी, आतंकियों और उनके ठिकानों को चिन्हित करते हुए सेना ने कई सख्त मिशन चलाए हैं। कश्मीर में जो भी स्थितियां बेहतर हुई हैं, बहुत हद तक उसका श्रेय राष्ट्रीय राइफल्स, जिसे शॉर्ट में RRR भी कहते हैं, उनको जाता है। क्यों भारतीय सेना की इस यूनिट को आतंकियों के लिए काल कहा जाता है, कब ये वजूद में आया, किन मोर्चों पर इसकी तैनाती है, राष्ट्रीय राइफल्स का पूरा काम जम्मू कश्मीर में क्या है, आज इसी की बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, यह है ज्ञान ध्यान। दरअसल राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की एक यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल PC मोनकोटिया इसके पहले डायरेक्टर जनरल थे। शुरुआत में राष्ट्रीय राइफल्स की 6 बटालियन हुआ करती थी, 3 जम्मू कश्मीर में और 3 पंजाब में। बाद में सभी बटालियन को जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया गया, क्योंकि ये वो समय था जब घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी थी। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आतंकी कश्मीर में कत्लेआम मचा रहे थे, लिहाजा तब आतंक से डटकर मुकाबला करने के लिए ये बटालियन जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से तैनात कर दी गई। राष्ट्रीय राइफल्स का मोटो है दृढ़ता और वीरता। इसे दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेररिस्ट यूनिट भी कहा जाता है। आज के समय में राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियन है, जो 5 कंपनियों, रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स में बटी हुई हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भारतीय सेना से ही आते हैं और इसके आधे जवान इन्फेंट्री यानी पैदल सेना से आते हैं और बाकी के आधे जवान सेना की दूसरी यूनिट से आते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में हम और बातें करें, उससे पहले इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर प्रदीप आर सागर से सुनिए राष्ट्रीय राइफल से जुड़ी हुई कुछ और दिलचस्प बातें। जब 1990s में जो टेररिज्म अपने पीक पे था और लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री जो वहां पे डिप्लॉय थी, दे वर नॉट ट्रेन्ड एनफ, दे वर नॉट इक्विप्ड एनफ, उनके पास ज्यादा अच्छे हथियार नहीं थे, उनकी ट्रेनिंग में कमी थी। तो इसलिए राष्ट्रीय राइफल्स एक स्पेशलाइज यूनिट है जो काउंटरसेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए उसको बनाया गया था, वो एक क्रिएट की गई। शुरुआत में बहुत छोटे तौर पर किया गया कि भाई 6 बटालियन के साथ, बट आज की तारीख में वो 65 बटालियन तक पहुंच चुकी है और राष्ट्रीय राइफल्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड फोर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल्स इनके पास है, 9000 के आसपास किल्स इनके नाम पे है और लगभग इतने ही तो लगभग 7000 के आसपास अरेस्ट किए लोगों ने टेररिस्ट। तो राष्ट्रीय राइफल्स, और जैसा मैंने बताया कि ये एक अपने आप में बड़ी स्पेशलाइज फोर्स, इनकी ट्रेनिंग, इनकी हथियार है वो बिल्कुल दे ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। अभी क्योंकि 2019 आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, उस टाइम के बाद से ही जो PMO है वो खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर सिचुएशन है। सिचुएशन हैज चेंज अ लॉट आफ्टर 2017, नंबर ऑफ इंसिडेंट, टेररिस्ट इंसिडेंट हैव आल्सो कम डाउन, बहुत ज्यादा काफी कमी आई है टेररिस्ट इंसिडेंट में, सिक्योरिटी फोर्सेज का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। तो PMO में एक डिस्कशन हो रहा है कि राष्ट्रीय एफर्ट्स को फोर्स डिप्लॉयमेंट कम करना चाहिए, बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, वेन वी प्रोजेक्ट कश्मीर एज अ न्यू इमर्जिंग स्टेट, वी आर, बिकॉज लास्ट ईयर आपको याद होगा टूरिज्म के डाटा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नंबर पे थे। तो वेन वी आर सेंडिंग ए मैसेज टू द वर्ल्ड कि कश्मीर इज नो लॉन्गर अ डिस्टर्ब एरिया, तो ये एक जो राष्ट्रीय राइफल्स काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशलाइज फोर्स है उसकी रीडिप्लॉयमेंट की बात भी की जा रही है। और हालांकि 2020 के जो लद्दाख में पैंगोंग त्सो में जो हुआ था चाइनीज मिलिट्री के साथ, उसके बाद से राष्ट्रीय एफर्स की काफी सारी एक यूनिट जो उसका एक मेजर पोर्शन ऑलरेडी ईस्टर्न लद्दाख में मूव कर दिया गया है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, टॉप लेवल पे डिस्कशन चल रहा है कि राष्ट्रीय एफर्स की जो प्रेजेंस है वो कम करनी चाहिए। अब सवाल है कि राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को क्यों आतंकी बार बार टारगेट करते हैं। बात यह है कि राष्ट्रीय राइफल्स की सभी फोर्स के पास जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी है। जैसे रोमियो फोर्स के पास राजौरी और पुंछ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वहीं डेल्टा फोर्स के पास डोडा की, विक्टर फोर्स के पास अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम की, तो किलो फोर्स के पास कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर की, जबकि यूनिफॉर्म फोर्स के पास उधमपुर और बनिहाल की जिम्मेदारी है।
अब आते हैं काम पर राष्ट्रीय राइफल्स के। राष्ट्रीय राइफल्स का काम जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करना है। राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देती है, यानी आतंकियों का किस तरीके से पूरी तरह से सफाया हो। इसके जवान घाटी में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हैं, उनके हथियारों की न सिर्फ जब्ती करते हैं बल्कि आतंकियों की गिरफ्तारी से लेकर एनकाउंटर का काम इस यूनिट के जिम्मे है। राष्ट्रीय राइफल्स के पास आधुनिक हथियारों का लंबा चौड़ा जखीरा है, एयरक्राफ्ट भी हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान अपने साथ हमेशा AK-47 लेकर चलते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान घाटी से आतंकियों का सफाया करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन कई एक मौके पर यूनिट के जवान आतंकियों का निशाना भी बनते रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन 1999 के ऑपरेशन विजय में भी शामिल हुई थी। उस समय कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग हुई थी तो राष्ट्रीय राइफल्स ने बहादुरी से इस जंग में दुश्मनों का मुकाबला किया था। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में सरसरी तौर पर आपको कुछ बेहद ही अहम बातें बताई। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। किसी और पॉडकास्ट में हो आपसे मुलाकात, तब तक आप सुनते रहें आज तक रेडियो। नमस्कार। मैं 15 मिनट तक अपना काम रोक सकता हूँ, बॉस को गोची देके मीटिंग से वापस चटक सकता हूँ, पर इधर 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी मिस नहीं कर सकता। सब मेरे को इस जीवन में कुछ नहीं मिस करने का है, और मैं तुमको भी नहीं करने देगा, क्योंकि गुजरात का, पंजाब का, विराट के ख्वाब में खिताब का, धोनी के भौकाल का, रोहित के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का, सबका अपडेट देगा रे तेरा फैजल, ताकि फैजल जो है रहता है IPL की टेंटे में। हाँ, तुमको भी सुनने का मानता है, मैच के अलावा मैच के आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं और अंदरूनी हर खबर पे करेंगे बात एक्सपर्ट्स के साथ। सुनिए IPL के टेंटे सिर्फ आज तक रेडियो पर।